नरतम के गौरी नारायण ही नमोस्तुते। जय सियाराम साथियों, नमस्कार साथियों, इसलोज जय के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं इधर दो तीन वीडियो में आपको स्त्रियों के उनकी बनावट, अंगों की बनावट के हिसाब से उनका क्या भाग होता है, कैसा उनका आचरण होता है और उनके इस प्रकार के आचरण से उनके पति रूप क्या लाभ होता है, ये सब बातें आपको मैंने बताया। एक स्त्री इसी की कड़ी में जो नाभि होती है, नाभि सबकी होती है, पुरुष को चाहे नाभि स्त्री को, तो नाभि के हिसाब से भी विवेचना होती है कि उनका स्वभाव क्या है और क्या क्वालिटी है। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें यहाँ पर हमारी जानकारी का, और जो भी मैं बताता हूँ पढ़ सुन करके उसका आप लाभ उठाते रहें। साथियों, जैसे मैंने चर्चा किया नाभि, साथियों नाभि अगर स्त्री की नाभि अंदर गहराई लिए हुए हो, उठी भी नहीं, उठी अशुभ मानी जाती है, नाभि गहराई लिए हुए हो और उसमें उसके बगल में जो रोएं हैं वो दाहिनी तरफ टर्न किए हों अथवा नाभि भी टर्न दाहिनी तरफ टर्न हो, तो ऐसी नाभि की जो कन्या होगी, ऐसी नाभि की जो स्त्री होती है अत्यंत भाग्यशाली होती है और उसके अंदर सारे गुण होते हैं, मतलब जिनके साथ उनकी शादी होती है, जिनके साथ उनका संबंध बनता है, ऐसे पुरुष भाग्यशाली होते हैं, नारी के भाग्य से उनका भाग जुड़ जाता है और उनका जीवन सुखमय होता है। तो ऐसी नारियां जिनकी नाभि जो है गहरी हो और दाईं तरफ टर्न हुए हो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं और उनके पति उनके साथ भाग्यशाली होते हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको बहुत छोटी सी बात अच्छी लगी होगी। अब आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह छोटी छोटी नई नई बातें आप पता चलती रहें। मैं आपकी जानकारी के लिए अंग ज्योतिष के हिसाब से किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी तिथियां आपके लिए सुटेबल हो सकती हैं, इसको मैंने बताया हूँ मैंने आपको। लाल किताब के हिसाब से जो टोटके होते हैं ग्रहों के, कैसे ठीक किया, उनके विषय में आपको बताया। तो हर क्षेत्र में वास्तु के विषय में कैसे वास्तु दोष दूर किया जाए, इनके विषय में आपसे मैं चर्चा करता हूँ और लोग हमसे पूछते भी हैं YouTube के माध्यम से, उनको जवाब भी देता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं साथियों कि आपको नई नई बातें और अच्छी बातें बताऊं। मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं काम की बातें बताता हूं जिससे आपका भला। तो साथियों, पुनः अनुरोध करूंगा कि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें और जिससे आपको नई नई बातें समझ पता चलती रहें। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, आपने वीडियो को ध्यान से देखा इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.